हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट क्लासेस। देखो, आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। बात करेंगे गवर्नर्स का स्टेटमेंट रिलीज होता है, वहाँ से हम आपको बात करेंगे। पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर, जैसे आपको पूरा हम ये आरबीआई के साइट से रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें आरबीआई की तरफ से रिलीज होती हैं, तो ये चीज़ कवर कर लीजिएगा तो आपको सारी बारी का डिटेल आपको कवर हो जाती हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी के लिए पेड क्लासेस हमारे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको 4 घंटा 5 घंटा में हम एमपीएससी पढ़ाएंगे, 6-7 घंटे में आप एक एमपीएससी कवर कीजिएगा, तो फिर बाकी चीज़ कब कवर कीजिएगा। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आपको सफिशियंट रहेगा अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट 99% चीज़ आपकी कवर हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टेटमेंट हम डाउनलोड कर दिया है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कुरान पाशा बैंक एग्जाम प्रिपरेशन बाय कुरान पाशा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग आज का स्टार्ट करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अगर जो हम लोग स्टार्ट करें आज का लेक्चर, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लो कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी देखो, मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली रहेगी, 6 मेंबर रहेंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी में, 6 मेंबर रहेंगे। ठीक है, इनका कलर हम ये रख लेते हैं, तो बाई मंथली रहेगा, 6 मेंबर रहेंगे, 3 मेंबर रहेंगे आरबीआई की तरफ से, शक्तिकांत दास जी, मृदुल सागर जी, एमडी पात्रा, अभी ये 3 मेंबर हैं आरबीआई की तरफ से। शक्तिकांत दास जी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, ईडी ऑफ आरबीआई मृदुल सागर जी हैं, एमडी पात्रा जो है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, जयंत वर्मा, आशिमा गोयल और शशांक भिड़े, ये लोग 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एमपीसी में। ठीक है, अब बताओ इसको लीड कौन करता है, इनको जो है आपको शक्तिकांत जी दास जी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है इनको लीड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे अगर हम बात करें कि ये जो बताओ कि इसका एम क्या है एमपीसी का, एमपीसी का 2016 में एक चीज ऐड हो गया एमपीसी के एम में कि आपको लिक्विडिटी के साथ साथ आपको इन्फ्लेशन के ऊपर भी ध्यान रखना है, कि महंगाई के ऊपर भी आप कंट्रोल रखिएगा। तो पिछले अगले आने वाले 5 साल के लिए आरबीआई ने अपना टारगेट सेट कर दिया है इन्फ्लेशन का, उसमें ये सारी बातें इसमें आपको मेंशन है। तो चलिए, अब हम लोग ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, अब चलिए अब हम लोग आते हैं अपने इसके तरफ, जो मेन बुलेट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला लाइन जो बोला है ना, ये एमपीसी का काम ही है, एमपीसी कमेटी मेट ऑन 5, 6 एंड 7 अप्रैल, 5, 6 एंड 7 अप्रैल को एमपीसी ने मीट किया है एंड डेलिब्रेटेड करंट एंड इवॉल्विंग माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। एमपीसी वोटेड यूनिवर्सली टू लीव द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज एट 4%। ठीक है, तो एमएसएफ जो है वहां पे आपको देखिए रेपो रेट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेपो रेट जो है वो 4% रहा, एमएसएफ जो है वो आपको फ्रेंड्स एमएसएफ एंड बैंक रेट फ्रेंड्स 4.25% रहा, रिवर्स रेपो रेट आपको 3.35% रहा। एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आपके सामने हम यहाँ पे लिख दिया है सारी चीज़ों को, कि जो हमारा रेपो रेट रहा है वो 4% का है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% का रहा है, सीआरआर जो है 3.5% रहा है। ये जो था सीआरआर वो आपको 3% था पहले, अब 3.5% हो गया, एसएलआर 18% हो गया। ठीक है, एमएसएफ एंड बैंक रेट अभी हम आपको बताया कि 4.25% है, एलएफ 3.5% है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये बताओ कि बैंक को जो है ना ये आपको मेंटेन करना रहता है, आपको सीआरआर मेंटेन करना है बैंक को, लेकिन ये 3.5% और 18% मेंटेन करना है एसएलआर, तो ये 18% 3.5% किसका मेंटेन करना है। ठीक है, कि कोई चीज होगा ना जिसका 18% मेंटेन करना है बैंक को, जिसका 3.5% मेंटेन करना है बैंक को, ये तो पता हो, ये तो कोई चीज होगी, ये थोड़ी ये 3.5% करना है, तो कुछ बेस होगा ना, तो वो बेस क्या है ये बताइए। सीआरआर और एसएलआर आपको किसमें बैंक मेंटेन करते हैं ये बताइए। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता ना, तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप यहाँ जाइएगा मेरे YouTube चैनल पर, यहाँ इस लेक्चर को देखना, इस लेक्चर को, ये वाला मेंस एंड इंटरव्यू की प्लेलिस्ट दिख रही है ना, उसी में तुम ये लेक्चर देखोगे, ये लेक्चर देखोगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ये लेक्चर अगर आप देखेगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जो प्राइवेटाइजेशन का लेटेस्ट अपडेट है, नीति आयोग का आपको लिस्ट जारी हो गई है, डेट इज सफिशिएंसी के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो रही हैं चैनल पर, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, थैंक यू गाइज। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, बेस्ट दे रहे हैं आपको कि आपको यहाँ पेड क्वालिटी का फ्री लेक्चर्स जो हम बोलते हैं वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ है आपको यहाँ पे पॉलिसी रेट सबसे पहले आता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो यहाँ पे आपको पॉलिसी रेट ये पूरा पैराग्राफ आपको वहाँ पे हमने आपको समराइज करके दिखा दिया बुलेट पॉइंट्स में, कि ये रेट रहा है रिपो रेट 4% है। अगर हम आगे बढ़े तो इंटरेस्टिंग फैक्ट एक यहाँ पे आएगा, जो एनएसओ है जो हमारी जीडीपी कैलकुलेट करती है इंडिया की, उसने कहा है कि जीडीपी 2020 के लिए 8% रहेगा, लेकिन क्या 8% पॉजिटिव 8% नहीं, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इन द रियल जीडीपी एट 8% 2021 के लिए कितना कहा था इन्होंने कि -8% जीडीपी फोरकास्ट रहेगी, लेकिन 2021 के लिए जो आरबीआई ने कहा है
ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको जरूरत नहीं कि सारी चीजें आपको पैंडेमिक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कहा है आरबीआई ने कि जो है हमारा रियल प्रोजेक्शन ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2020-21 इज रिटेन एट 10.5%। तो 10.5% 2021-22 के लिए रहेगा। अब ये इतना जरूरी नहीं है कि 26.2% क्वार्टर वन के लिए, 8.3% क्वार्टर टू के लिए, 5.4% क्वार्टर थ्री के लिए, 6.2% क्वार्टर फोर के लिए, सब मिला करके 2021-22 में आपको रह रहा है 10.5%। तो इतना जरूरी नहीं, बस इतना याद रखिए कि 2021-20 के लिए, 2021-22 के लिए आपका जीडीपी फोरकास्ट किया है आरबीआई ने 10.5% है, ठीक है। आरबीआई की तरफ से कि ये भी कोटा है, देयर इज अ कंसर्न अराउंड राइजिंग केसेस ऑफ इन्फेक्शन बट एज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आरबीआई के इस स्टेटमेंट में ना दो लोगों का यहाँ पे आपको कोट शेयर किया गया, ठीक है। एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इनफाइनाइट होप, और एक और है, ठीक है, वो एंड में वो बात कंक्लूड की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ से निकली हमारी, बैक टू द टॉपिक आते हैं हम लोग। तो हमारी दो टॉपिक यहाँ से निकला कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से 2020-21 में कितना रहा जीडीपी आपको, -8%, 2021-22 के लिए रहेगा 10.5%। देखो लेकिन आईएमएफ जो है ना, आईएमएफ ने जो दिया है जीडीपी फोरकास्ट, वो 12.5% दिया। तो ये जो गैप है ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आरबीआई ने कितना जीडीपी फोरकास्ट किया है और आईएमएफ ने कितना जीडीपी फोरकास्ट किया है 2021-22 के लिए। तो 12.5% आईएमएफ और आरबीआई कितना, 10.5%। ओके, अगर हम फर्दर मूव करें तो काफी इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ आपको मॉनिटरी पॉलिसी के इसमें। अगर हम लोग ये नीचे आएंगे तो जीसैप प्रोग्राम पे अगर हम लोग जैसे ही आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन की जहाँ पे भी बात होगी ना, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है। तो ये आपका है कि फरवरी में 5% रहेगा, फिर आपको ये पूरा है कि 5% रहेगा, क्वार्टर वन में 5.2% रहेगा। तो इन्फ्लेशन रेट जो कहा है ना आरबीआई ने, वो कहा है कि 4 ± 2% रहेगा, 4 ± 2% 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए जो इन्फ्लेशन रेट कहा है आरबीआई ने कि जो रहेगा 4.4 ± 2% रहेगा। ओके, तो देखो, ऑन मार्च 31, 2021 द गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% विद द लोअर एंड अपर टॉलरेंस ऑफ 2%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रहा कि 6%, मतलब 4 ± 2% रहेगा, कब तक, मार्च 2026 तक, मतलब 5 साल के लिए यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट सेट हो गया कि 4 ± 2% रहेगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा यहाँ पे 5 साल तक। अगर कोई चेंज होगा तो आपको हम बता देंगे, अभी तक तो यही है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री पढ़ने का तो ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर हम आए तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, जी सैप, जी सैप लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। जी सैप क्या है, जी सैप है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। देखो गवर्नमेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोन लेने वाली है अभी मार्केट से, ये आपको काफ़ी लोन लेने वाली है 1 साल में। तो क्वार्टर वन में ना, क्वार्टर वन में, ठीक है, 2021-22 में इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अनाउंस अ जी सैप ऑफ 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का लोन लेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे लोन लेगी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आकर के थोड़ी बोलेंगे लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, पैसा दो हमको, पैसा दो, नहीं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगी आरबीआई, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको यहाँ पे द फर्स्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 25,000 अंडर जी सैप 1.0 विल बी कंडक्टेड इन अप्रैल 15, 2021। तो पहले इसमें अप्रैल 15, 2021 में आपको कितना इसमें फर्स्ट परचेज कर रही है, 25,000 का फर्स्ट परचेस कर रही है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट और सिक्योरिटी क्यों खरीद रही है जी सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है कि मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, तो आप क्या चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करते या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी सिक्योरिटी दे रही है, तो क्या किधर जाएगा इन्वेस्टर, किधर जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि स्टेबल है। गवर्नमेंट बोलेगी हाँ चलो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिल रहा है लेकिन ये सिक्योर है, गवर्नमेंट कभी दिवालिया नहीं हो सकती है, आपको जो दिया है तो थोड़ा पैसा आपको इंटरेस्ट लगा के ही वापस आएगा, आप यहाँ पे श्योर है कि आपके पास पैसा आ रहा है। तभी गवर्नमेंट जो है 1 लाख करोड़ का अपना प्रोग्राम बनाई है जी सैप के हिसाब से। जी सैप क्या है, जी सेक एक्विजिशन प्रोग्राम। जी सैप क्या है, यहाँ पे देखिए, जी सेक एक्विजिशन प्रोग्राम, इसमें गवर्नमेंट जो है 1 लाख करोड़ रुपया वो आपको ये रेस करने का डिसाइड किया है, जिसमें से 25,000 करोड़ आपको किसमें आ रहा है,
सैप 1.0 अप्रैल 15, 2021 में। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये कौन खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कंपनी खरीदेगी, विदेश लोग भी खरीद सकते हैं, मतलब बेसिकली सब कोई खरीद सकता है। लेकिन विदेश में अगर आप जैसे ही सोचा हो विदेश बोला तो आपको ध्यान में आएगा कि दुश्मन देश खरीद लेंगे, तो नहीं, कुछ कुछ लिमिट रहता है कि दुश्मन देश नहीं खरीद सकते, कुछ लिमिट रहता है। ठीक है, ऐसे अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल खरीद सकते हैं या नहीं, तो इंडिविजुअल इसमें खरीद सकते हैं। तो अगर हम इसके आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक आपको यहाँ पे TLTRO आपको आएगा, TLTRO ऑन टैप स्कीम। तो TLTRO ऑन टैप स्कीम काफी दिन से स्कीम चल रही है, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 30 सितंबर 2021 तक। आपको SBI क्लर्क में, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो SBI क्लर्क में इसमें आपको TLTRO का फुल फॉर्म पूछा गया था पिछले साल। ओके, TLTRO का फुल फॉर्म क्या है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। TLTRO का फुल फॉर्म है, TLTRO का फुल फॉर्म है टार हो हमारा चेयर को चेंज करना पड़ेगा यार, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये है TLTRO का फुल फॉर्म, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हमारा TLTRO का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि जब भी RBI जो है ये लोन देती है, मान लो RBI जो है आपको SBI को लोन देने वाली है, ठीक है, SBI को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रही है, मान लो 3 ईयर्स के लिए लोन दे रही है, तो जब भी ये लोन देती है ना, तो RBI जो SBI को लोन देती है तो ज्यादा इंटरेस्ट पे देती है, करीब करीब 7% हो गया, 8% हो गया, इस तरीके से रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रही है कि हम रेपो रेट पे आपको देंगे, ठीक है, रेपो रेट को आपको लेन देंगे RBI को, कि जाओ तुम 3 साल के लिए ले जाओ और रेपो रेट हमारा 4% उसी पे ले जाओ, तो RBI तो खुश हो जाएगा कि चलो RBI जाकर के बहुत सारा पैसा ले लेगा, ये SBI जाके RBI से कि चलो सस्ते दर पे हमें पैसा मिल रहा है RBI से, चलो हम RBI से पैसा ले लेते हैं, आगे जाकर के हम इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन लेकिन RBI ने इसमें टारगेटेड वर्ड ऐड कर दिया कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, तो तुम पैसा तो ले जाओ SBI, लेकिन तुम कहाँ खर्च करोगे ये तुमको हम बताएंगे। ये कैसे हम तुमको बताएंगे, तुम एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको ये करोगे, खर्च करोगे, तुम हाउसिंग सेक्टर में इसको खर्च करोगे, ठीक है, तो हम आपको टारगेट सेक्टर बताएंगे कि किस सेक्टर में आपको खर्च करना है। फायदा क्या है SBI को, कि आपको यहां पे कम ड्यूरेशन पे कम इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिल जा रहा है SBI को। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जो हमारा एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक। तो 30 सितंबर 2021 तक आपको TLO ऑन टैप स्कीम। अब ऑन टैप स्कीम का मतलब क्या है, ऑन टैप का मतलब ये हो गया कि पहले जो है ना कि RBI बोलता था कि चलो हम RBI बोला कि ये 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को आना, जिसको लेना है इसका फायदा उठाना है वो 4 अप्रैल को आएगा, पेन ले लेते हैं, 4 अप्रैल को आएगा और 4 अप्रैल को आकर के ये फैसिलिटी का आपको जाकर के लाभ उठा सकते हैं, हमारे पास आइएगा, हम 4 अप्रैल को आपको ज्यादा दर पे ज्यादा टाइम के लिए हम रेपो रेट पे आपको दे देंगे पैसा। अब यहाँ पे ऑन टैप कर दिया, ऑन टैप मतलब कर दिया कि RBI ने यहाँ पे एक टंकी में यहाँ पैसा भर के रख दिया है कि आपको जब जरूरत है यहाँ पे आइए, यहाँ पे नल खोलिए और लेके चले जाइए पैसा, मतलब कि ऑन डिमांड हो गया, आप सर्विस जब जाइएगा आपको मिल जाएगा, ये हो गया ऑन टैप सर्विस। ठीक है, अब कोई फिक्स डेट फिक्स नहीं है, आप जिस दिन आइएगा उस दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, TLTRO हो गया, यहाँ पे आपको ये चीज हम लोग कवर कर दिया। उसके बाद आपको ये एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ये 30 सितंबर 2021 तक आपको इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपको 75,000 करोड़ आपको प्रोवाइड किया था RBI ने, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, SIDBI, NHB, एग्जिम बैंक, इन सबको RBI ने पैसा दिया था। क्यों पैसा देखिए, कि RBI इसको पैसा देगा तो ये आप आगे पैसा देंगे, ठीक है, तो एक चेन ऑफ लिक्विडिटी हमारा क्रिएट होगा। तो पहली बात, इसमें 75,000 करोड़ नाबार्ड को, SIDBI को, NHB को और एग्जिम बैंक को आपको दिया गया था। कब दिया गया था, ड्यूरिंग अप्रैल अगस्त 2020 के। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज फेल्ट नेसेसरी टू सपोर्ट कंटिन्यूड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द रियल इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ 50,000 करोड़ फॉर फ्रेश लेंडिंग 2021-22 विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल AIFI। AIFI क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये कौन है, नबार्ड है, SIDBI है, NHB है, एग्जिम बैंक है, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो 25,000 करोड़ नबार्ड को दिया गया है, 10,000 करोड़ NHB को दिया गया है, 15,000 करोड़ SIDBI को दिया गया है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हो गया इन्हांसमेंट ऑफ लिमिट ऑफ मैक्सिमम बैलेंस
फॉर पेमेंट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये आपको कोई ना कोई बैंक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि पेमेंट बैंक का लिमिट जो है आपको, मैक्सिमम लिमिट आपको कितना था, पहले 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर था, अब ये बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है आपको लिमिट। तो मिनिमम लिमिट कितना है बताइए, तो मिनिमम लिमिट कितना है पेमेंट बैंक में, मिनिमम लिमिट है आपको 0 रुपया, हम नहीं रखेंगे पेमेंट बैंक में पैसा, 0 है मिनिमम बैलेंस, ठीक है। मैक्सिमम बढ़ाया है, पहले 1 लाख रख सकते थे, अब आप 2 लाख रुपये रख सकते हैं। ARC आपको ये कंपनीज होगा, कंस्टिट्यूट किया जाएगा, ARC कमेटी आपको क्या हो गया, बेसिकली एक अवाड़ी वाले रहेंगे, कोई कंपनी को पैसा दिया RBI, ये पूरा बिजनेस ठप हो गया, तो वो बोला क्या कंपनी और कि चलो मेरे पास पैसा नहीं है, तुम जो मेरा मशीन वशीन है सब ले जा करके भेज दो, तो वही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हमारा क्रिएट होगा जो कि ये सब सारी चीज़ें देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे परमिटिंग बैंक्स टू लेंड थ्रू NBFC, अब यहाँ पे देखो, रिकॉग्नाइजिंग द की रोल प्लेड बाई NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आपको यहाँ पे NBFC पे जो हमारा की रोल जो को रिकॉग्नाइज करते हुए, ठीक है, जो हमारा RBI ने क्या कहा है कि अब जो है ये अगर NBFC को पैसा देती हैं, NBFC को अगर पैसा देती हैं बैंक्स, तो वो भी PSL में काउंट किया जाएगा। अब देखो, और दूसरा पॉइंट है PSL सेक्टर लेंडिंग इन्हांसमेंट ऑफ लोन लिमिट अगेंस्ट ENWR और NWR, ठीक है, यहाँ पे 75 लाख करोड़ तक, 75 लाख कहा गया है लिमिट। अब देखो, हम इन दोनों टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके, बहुत अच्छा है, एनालिसिस हो रहा है आपके सामने, ओके, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वीडियो प्ले पे क्लिक कर लीजिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो बैंक को कोई भी लोन देता जाता है तो चलो 40% बैंक को जो है लोन जो अप्रूव करना है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कौन है, आपका एग्रीकल्चर है, आपको इंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब आपको आपको आ गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, पूरा काफ़ी सारे लिस्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, मेंस और इंटरव्यू का भी हम आपको दिखाया है यहाँ पर, मेरा मेंस और इंटरव्यू का पहले लिस्ट बना हुआ है, सारी चीज़ आप देखिएगा, PSL वगैरह आप सब चीज़ वहाँ से समझ जाइएगा, ठीक है। तो मान लो कि SBI है, SBI के सामने यहाँ पे कोई कंपनी है, चलो KN कोई NBFC है, यहाँ पे आपको ये जो है आपको फार्मर्स को लोन दे रही है, ठीक है, फार्मर को लोन दे रही है, फार्मर को लोन चाहिए आपको 20,000 रुपये का, 20,000 का लोन चाहिए, 20,000 का लोन चाहिए फार्मर को, ठीक है, 20,000 का लोन चाहिए फार्मर को, और ये क्या कर रहा है ना कि SBI जो है इसको 20,000 रुपया दे दिया, SBI जो है यहाँ 20,000 रुपया दे दिया, और ये जो है जाकर के फार्मर को 20,000 दे दिया, तो ये जो SBI तो डायरेक्ट फार्मर के पास नहीं गया, SBI क्या गया, ये कंपनी के पास गया, तो SBI ने जो ये कंपनी को जो लोन दिया ना, ये भी आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आएगा अब से, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, पहला टॉपिक क्लियर कर दिया यहाँ पे हम, ये जो बात रही ये वाली परमिटिंग बैंक्स टू ऑनलाइन थ्रू NBFC, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपको PSL में इन्हांसमेंट ऑफ लोन लिमिट अगेंस्ट ENWR और NWR, ठीक है, ये जो है ना ये हो गया, अगर आपको, चलिए हम अच्छे से यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा पहले पढ़ भी देते हैं आपके लिए, ठीक है, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीव्ड NWR, ठीक है, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट, ई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट, इसमें आपको कितना लोन, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इनहेंस द लोन लिमिट अंडर PSL फ्रॉम 50 लाख से 75 लाख, इसका लिमिट आपको बढ़ा दिया गया, पहले 50 लाख था 75 लाख रुपए कर दिया गया, ये क्या चीज है, ये अभी हम आपको बता रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा हमको यहाँ पेजेस एड करने दीजिए, ओके, अगर हम इसको ओपन करें, पेन ले लिया जाए, तो देखिए अगर है ना लोन अगेंस्ट ENWR, लोन अगेंस्ट ENWR या NWR, निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट, ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई फार्मर है, फार्मर जाकर के अपना गोदाम में स्टोरेज में जाकर के यहाँ पे अपना 1500 का आपको जाकर के सामान रख दिया, ठीक है, 1500 का सामान रख दिया, अब यहाँ फार्मर गया मार्केट में और इसको बेच आया कि चलो मेरे पास 1500 का सामान रखा हुआ है मार्केट में, हम आपको दे देंगे, आप हमको 1800 रुपया दे दीजिए, ठीक है, तो ये 1800 रुपया यहाँ फार्मर लेकर चला गया और ये रिसीप्ट जो है इस आदमी को दे दिया, ये आदमी गया यहाँ पे 1800 का सामान, यहाँ पे 1500 रुपया दिया आपको, ले लिया यहाँ पे सामान जा करके ले लिया, और उसके बाद आपको जाकर के यहाँ बेच दिया, ठीक है, 1800 में खरीदा था, 2100 रुपये में बेच दिया, अपना फायदा वायदा सब चीज़ हो गया इसका, ठीक है, यहाँ पैसा पेमेंट है, मतलब 1800 रुपये में लिया, यहाँ रिसीप्ट दिखा करके बस सामान ले लिया, सामान लेने के बाद ये जा करके अपना दे दिया, ठीक है, तो यही जो होता है ना कि ये अब फार्मर क्या किया ना कि यहाँ से जो रिसीप्ट मिली ना उस रिसीप्ट को ये आदमी को ले जा करके ये चला गया बैंक, ये कहाँ चला गया, ये चला गया बैंक, ओके,
ये चला गया, बैंक चला गया और बैंक को इसके इसके एवज में आपसे लोन मांगा, तो इसका लोन कितना हो गया, 75 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक इसको दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एक रिलीज होगा, आरबीआई जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होगा आपको। ये जो है ना, इसमें आरआरबी का रोल क्या है, ये जो है ना टॉपिक में फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट रहता है कि आरआरबी का फंक्शन क्या है। आरआरबी का फंक्शन यही था कि उसको जो आरआरबी सेट किए गए थे रीजनल रूरल बैंक्स, उसको सेट किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के ही लिए। वो आरआरबी जो है वो प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, वो आपको फाइनेंशियल गरीबों को कैसे मदद किया जाए, फार्मर्स को कैसे मदद किया जाए। अच्छा, सिर्फ फार्मर ही नहीं आते हैं कि आप आरआरबी है तो सिर्फ उसके फार्मर ही के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, आरआरबी का और ज़्यादा काम भी है। ठीक है, ये नहीं कि आरआरबी है तो सिर्फ फार्मर ही के बारे में पूछेगा, रीजनल रूरल है तो सिर्फ किसान ही की तरफ जा रहे हैं आप, और भी सारी चीजें होती हैं, आरआरबी का काम होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए आरआरबी को बनाया गया था। अभी जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर के इतना जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उसमें एक दलील ये भी है बैंक यूनियन की तरफ से। लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है 4 अप्रैल को बैंक यूनियन की, यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया है, ये लेटेस्ट बैंक यूनियन मीटिंग ऑन 4 अप्रैल, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट। इसमें अभी बैंक यूनियन ने ये चीज़ें आपको स्पष्ट की हैं कि क्या डेंजर्स हैं। अगर नहीं देखा ये वीडियो तो ये वीडियो देख लीजिएगा, जो हम बात बोलना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक मोटा मोटी बात यही है कि ये आपको RBI प्रोस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड पब्लिश अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर, दिस विल बी पब्लिश इन जुलाई एवरी ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग प्रीवियस मार्च। ठीक है, तो ये कब आएगा, जुलाई एवरी ईयर में आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम RTGS और NEFT मेंबरशिप मिलेगा अदर एंटिटीज को। बैंक्स के अलावा अदर एंटिटीज में कौन है, अदर एंटिटीज में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, PPI। PPI का फुल फॉर्म क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, PPI, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटर, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, TREDS प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जो रेगुलेट किए जाते हैं RBI के द्वारा, इसको भी हम लोग अटैच करेंगे किसमें, RTGS और NEFT। बताइए RTGS का लिमिट कितना है और NEFT का लिमिट कितना है, RTGS और NEFT में डिफरेंस क्या है, RTGS और NEFT रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT, ठीक है, NEFT का फुल फॉर्म क्या है, नीचे बताइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइए कि NEFT का फुल फॉर्म क्या है, NEFT का क्या मैक्सिमम लिमिट है, क्या मिनिमम लिमिट है, RTGS का क्या मिनिमम लिमिट है, ये बताइए आप नीचे लिख करके। ठीक है, किसमें नो लिमिट है ये बताइए, अगर नहीं देखा है तो मेंस का सीरीज देख लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, इंटरपोरेबिलिटी ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एंड इंक्रीज अकाउंट लिमिट टू 2 लाख, यहाँ तो हम लोग बता दिया आपको कि 2 लाख रुपए तक जा रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे ले आए तो आपको फिर WML लिमिट स्टेट्स के बढ़ा दी गई है, वो बात है। ठीक है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इनहेंस द एग्रीगेट WML लिमिट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू 47,010 करोड़ एंड इंक्रीज अबाउट 46% फ्रॉम द करेंट लिमिट ऑफ 32,225 करोड़ विच वॉज फिक्स्ड इन फरवरी 2016। हम लोग के पास यार इतना पैसा आ जाए तो कितना जरूरी, कितना कैसा मतलब खुशी होगी कि इतना करोड़ पैसा है। खैर चलिए, कंक्लूजन यहाँ पे जो कहा गया है, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रीवियस ईयर, द होप जनरेटेड बाय द वैक्सीन राइज इन सेवरल कंट्रीज एट द स्टार्ट ऑफ 2021 हैज बीन समवट ऑफसेट बाय राइजिंग इन्फेक्शन एंड न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन वर्ल्ड वाइड, येट द स्प्रेड एंड कलेक्टिव इंडिवेयर विद विच द वर्ल्ड मोबालाइज साइंटिफिक एंड एनर्जीज टू डेवलप वैक्सीन एंड पैंडेमिक रिलेटेड प्रोटोकॉल दैट हैव नाउ बिकम अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे कंक्लूजन में कही गई है, और कंक्लूजन में महात्मा गांधी जी का एक कोट भी कहा है, इफ पेशेंस इज वर्थ एनीथिंग इट मस्ट इंड्योर टू द एंड ऑफ टाइम एंड अ लिविंग फेथ विल लास्ट इन द मिडस्ट ऑफ ब्लैक सेट स्टॉर्म। तो उसके मीनिंग क्या है, चलिए अगर आप लोग इसमें देख लेते हैं, हम लोग हिंदी वाले में भी सेम चीज बात लिखी हुई होगी, हम लोग एंडिंग पे आकर के देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का ये कोट है, यदि किसी भी स्थिति में धैर्य की आवश्यकता है तो उस समय के अंत तक कायम रखना होगा और एक अटूट विश्वास की अत्यंत घोर तूफान के बीच में भी बना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, सुरक्षित रहे, सकुशल रहे, नमस्कार। ठीक है, ये हमारा सारी चीजें हो गई। ठीक है, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे वेल, नमस्कार। तो यहीं पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, इस वीडियो का ये हम PDF आपको शेयर कर देंगे, कहाँ, इस वीडियो का PDF हम लोग शेयर कर देंगे आपको, हम टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है,
टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको शेयर कर देंगे बैंक एग्जाम प्रिपरेशन बाय कुरान पाशा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जा रहा होगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सर्च भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुरान पाशा लिख कर के AUNAIN कुरान पाशा, ठीक है, ये आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप बैंक एग्जाम प्रिपरेशन बाय कुरान पाशा, ठीक है। ओके, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन BANK बैंक EX बैंक एग्जाम प्रिपरेशन बाई कुरान पाशा, आप इसको सर्च कर लीजिएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर नहीं ज्वाइन कर पाओ तो टेलीग्राम ग्रुप यहाँ से सर्च कर लेना जा करके, अगर तब भी नहीं ज्वाइन कर पाओ तो FB और इंस्टा का भी लिंक है, इंस्टा FB पे हमको मैसेज कर देना, इंस्टा पे मैं भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। ओके, लेक्चर कैसा लगा बताना, तो हमारा लेक्चर का ये क्वालिटी है, आपको कैसा लगा, आपको लगा कि ये पेड क्वालिटी के लेक्चर्स हैं आपको जो आप डिलीवर हो रहे हैं आज, अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ये सेशन बनाने में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, सब्सक्राइब तो करने के बाद आपको एक काम और भी करना है, आपको एक काम और क्या करना है कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको आपको ये जो बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है और ऑल पर क्लिक कर देना है, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस रहे आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में ये चीज़ भी हमको, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, हम यहीं पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, स्टे सेफ। ओके, हम लोग चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।